द ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप द ललन टॉप देख रहे हैं। पंजाब में एक सीनियर पुलिस अधिकारी अनिल कोहली की कोरोना वायरस से मौत हो गई। वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी ACP नॉर्थ की पोस्ट पर थे। 52 साल के कोहली 13 अप्रैल से लुधियाना के SPS अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल ने बताया कि उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। वो वेंटिलेटर पर थे। पहले उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन दोबारा टेस्ट होने के बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोहली पंजाब पुलिस सर्विस के अधिकारी थे। उनकी पत्नी और गनमैन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके अलावा कोहली के संपर्क में आने वाले 4 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। हालांकि यह पता नहीं लग पाया है कि SP कोहली को कोरोना कैसे हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी ADCP सचिन गुप्ता ने बताया कि कोहली को प्लाज्मा थेरेपी देने की तैयारी थी। इसके लिए एक डोनर की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन ACP कोहली को बचाया नहीं जा सका। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ACP की मौत पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि बताते हुए बेहद दुखी हूं कि 17 अप्रैल को हमने एक अधिकारी गुरमेल सिंह को खो दिया, आज लुधियाना ACP अनिल कोहली को। इस आपदा की घड़ी में कोरोना वायरस को खोना राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के साथ हूँ, पूरा पंजाब भी उनके परिवार के साथ है। DGP यानी पुलिस महानिदेशक ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी अनिल कोहली जो सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात थे, कोविड-19 से लड़ते हुए शनिवार दोपहर उनकी मौत हो गई। अनिल पिछले 30 सालों से पंजाब के लोगों की सेवा कर रहे थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पंजाब में अब तक कोरोना से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य में कोरोना के मामले 200 से ज्यादा सामने आ चुके हैं। वहीं भारत में 14,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 470 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए द ललन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का हटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।